भारत को पिछले कई वर्षों में सबसे ज्यादा अगर अपमान सहन करना पड़ा है, जिल्लत झेलनी पड़ी है, आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है, राजनीतिक नुकसान उठाना पड़ा है, सांस्कृतिक सामाजिक नुकसान उठाना पड़ा है, तो सबसे ज्यादा इन अंतर्राष्ट्रीय संधियों के कारण ही है। एक बार तो इन अंतर्राष्ट्रीय संधियों के एक मकड़ जाल में फंसकर हम अपनी पूरी आजादी गंवा चुके हैं, अपनी स्वाधीनता हम खो चुके हैं, अपना स्वराज्य, अपना तंत्र सब कुछ लुटा चुके हैं। अगर इतिहास में बात करूं तो सबसे पहली अंतर्राष्ट्रीय संधि भारत ने जो की थी वो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ थी, जिसके दस्तावेज उपलब्ध हैं, जिन्हें हम पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। वैसे तो कहा यह जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के पहले भी भारत देश ने दुनिया के दूसरे देशों के साथ संधियां की हैं। जैसे एक बार हमारे देश में एक विदेशी आया था जिसका नाम था सिकंदर, और भारत में उसका युद्ध हुआ था। एक चक्रवर्ती सम्राट था पुरु, जिसको अंग्रेजों ने नाम दे दिया पोरस, उसके साथ सिकंदर का युद्ध हुआ था। और आप सभी जानते हैं कि सिकंदर की उसमें पराजय हुई थी और भारत उसमें विजयी हुआ था, और सिकंदर को पराजित होकर भारत से लौटना पड़ा था। उस समय सिकंदर ने एक संधि की थी भारत के चक्रवर्ती सम्राट पुरु के साथ, और संधि क्या थी? संधि यह थी कि दूसरी बार कभी भी सिकंदर भारत पर हमला करने के लिए नहीं आएगा, इसके बदले में चक्रवर्ती सम्राट पुरु ने सिकंदर को माफ कर दिया था। वरना स्थिति यह थी कि चक्रवर्ती सम्राट पुरु चाहता तो सिकंदर की गर्दन काट सकता था, क्योंकि सिकंदर पराजित होकर उसके चरणों में बैठा हुआ था। सिकंदर की पूरी सेना पराजित हुई थी, सिकंदर का अहंकार पराजित हुआ था। भारत में आने के पहले सिकंदर के बारे में यह कहा जाता है कि दुनिया का कोई भी देश उसको हरा नहीं पाया था। सिकंदर जिस देश में भी गया वहां उसको विजय मिली थी। पहला देश भारत था जहां पर आकर सिकंदर पराजित हुआ था, और सिकंदर ने इस पराजय को जब स्वीकार किया तो महाराजा पुरु से उसने एक विनती की थी कि मेरी जान बख्श दी जाए, मुझे जिंदा छोड़ दिया जाए, क्षमा कर दिया जाए, माफ कर दिया जाए। बदले में सिकंदर ने वायदा किया था कि वो भारत में दोबारा कभी नहीं आएगा, इस तरफ का मुंह कभी नहीं उठाएगा, भारत देश की स्वतंत्रता को, भारत देश की सार्वभौमत्व को, भारत देश की संप्रभुता को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये एक संधि हुई थी सिकंदर और पुरु के बीच में, और उस संधि के बाद सिकंदर यहां से वापस गया था, लेकिन दुर्भाग्य से रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई थी। सम्राट पुरु ने तो नहीं मारा, लेकिन भगवान ने उसको मार डाला था। वो वापस यहां से जिंदा नहीं गया था, उसकी लाश वापस गई थी। ये इतिहास में हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन बस दुर्भाग्य इस बात का है कि इस संधि के कागज पत्र देखने को नहीं मिलते, प्रमाण देखने को नहीं मिलते। पूर्व इतिहास में बहुत सारी ऐसी संधियां हैं जिनके प्रमाण देखने को नहीं मिलते। ऐसे ही एक और विदेशी हमला हमारे देश पर हुआ था हूणों का, और एक विदेशी हमला हुआ था शकों का। इन दोनों विदेशी हमलों में भी भारत जीता था। शकों की पराजय हुई थी, हूणों की पराजय हुई थी, और उस पराजय के बाद शक और हूणों ने भी भारत के राजाओं से संधियां की थी, और उस संधियों में यही था कि वो दोबारा भारत पर हमला नहीं करेंगे, दोबारा भारत में नहीं आएंगे, और उस तरह से वो भी वापस गए थे यहां से। तो पूर्व इतिहास में हम अगर देखें तो ऐसी कई संधियां हुई हैं, जब विदेशी आए, भारत पर हमला किया, वो हारे, पराजित हुए, और उनकी जान छोड़ दी जाए, उनको क्षमा कर दिया जाए, इस आधार पर उन्होंने भारत के राजाओं से संधियां की, और वो संधियां इतिहास की पुस्तकों में दर्ज हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा कि इन संधियों के बारे में अगर हम और आप ये देखने की कोशिश करें कि किन शब्दों में वो संधियां की गई थी, किस आधार पर लिखा गया था, वो प्रमाण उपलब्ध नहीं है। तो इसलिए मैंने कहा कि सबसे पहली संधि जो भारत में विदेशों से हुई या विदेशियों से हुई,
जिसके प्रमाण उपलब्ध हैं, जिसको आप भी देख सकते हैं, मैं भी देख सकता हूं, जिसके प्रमाण अभी बहुत ज्यादा पुराने नहीं है, वो संधि लगभग 400 वर्ष पहले की संधि थी, जब ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ भारत के सम्राट जहांगीर ने संधि की थी। और ये संधि 1615 में हुई थी, और इस संधि का मूल बिंदु ये था कि चक्रवर्ती सम्राट जो जहांगीर है, जिसकी बहुत बड़ी सल्तनत थी इस देश में, हजारों लाखों गांव तक जिसकी मिल्कियत थी इस देश में, वो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि कर रहा है इस बात के लिए कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने की अनुमति दे दी जाए, और उस अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को अपना व्यापार करने के लिए कुछ स्थान की जरूरत है, तो वे स्थान उसको दे दिया जाए, और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार की सुरक्षा के लिए कुछ सेना रखने की जरूरत है, तो उनको सेना रखने की अनुमति दे दी जाए, और ईस्ट इंडिया कंपनी को कुछ गोदाम बनाने की अनुमति दे दी जाए। ये चार बिंदुओं पर संधि हुई थी। संधि करने वाले भारत की तरफ से जो व्यक्ति थे वो जहांगीर, और संधि करने वाला अंग्रेज जो भारत में आया था उसका नाम था थॉमस रो। अंग्रेज उसको थॉमस रो भी कहते हैं, थॉमस रो भी कहते हैं, दोनों उच्चारण उसके नाम के हैं। तो थॉमस रो पहला अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से भारत में आकर संधि करके गया, वो लिखित संधि हुई। उस संधि के प्रमाण उपलब्ध हैं, दस्तावेज उपलब्ध हैं, भारत में भी वो दस्तावेज हैं। यहां दिल्ली में अभिलेखागार करके एक बड़ी संस्था है, जिसको अंग्रेजी में हम सब आर्काइव्स कहते हैं, नेशनल आर्काइव्स के पुराने जो दस्तावेजों का सेक्शन है वहां पर ये रखा हुआ है दस्तावेज। और अंग्रेजों की जो पार्लियामेंट की लाइब्रेरी है, अंग्रेजों की जो संसद है, हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, उनकी लाइब्रेरी में भी ये दस्तावेज रखा हुआ है। और अंग्रेजों की एक बहुत बड़ी संस्था है जिसको वो ब्रिटिश लाइब्रेरी कहते हैं, लंदन में जिनका मुख्य कार्यालय है, वहां पर भी इसका दस्तावेज रखा हुआ है। तीन जगह इस संधि का दस्तावेज रखा हुआ है। तो ये पहली लिखित संधि हुई भारत की विदेशियों के साथ, जो आज भी प्रमाण के रूप में उपलब्ध है। इस संधि से ही हम फंस गए विदेशियों के मकड़ जाल में। संधि में जहांगीर ने सूरत नाम का एक छोटा सा इलाका, जो अभी तो बहुत बड़ा जिला है, एक जमाने का वो छोटा सा ही क्षेत्र था, लेकिन बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र था, बहुत पैसे वाला एक क्षेत्र माना जाता था, बहुत बड़ा उत्पादन का केंद्र था, उस सूरत के क्षेत्र को ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था व्यापार करने के लिए। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने वहां अपनी एक दुकान खोल ली थी, एक गोदाम बना लिया था, कुछ सेना रखने के लिए एक छोटा सा किला बना लिया था। जो किला ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले सूरत में बनाया, वो अभी भी मौजूद है, वो सुरक्षित है। आप में से कभी भी किसी भाई बहन को सूरत जाने का मौका मिले तो आप उसे देख सकते हैं, वो अभी भी खड़ा हुआ है वैसे का वैसा ही। वो संधि के आधार पर बनाया गया था। भारत की भूमि पर विदेशियों का पहला किला, भारत की भूमि पर विदेशियों की पहली फैक्ट्री, भारत की भूमि पर विदेशियों का पहला गोदाम, और भारत की भूमि पर विदेशी सैनिकों के रहने के लिए आवास की व्यवस्था पहली बार इस 1615 की संधि में ही हुई थी, जिसमें जहांगीर ने अनुमति दी थी ईस्ट इंडिया कंपनी को। उसके बाद तो ऐसा हो गया इस देश में कि जहांगीर के बाद के जितने भी राजा हुए, उन सभी ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ कुछ ना कुछ संधि की। किसी ने एक राज्य दिया, किसी ने दो राज्य दिए, किसी ने तीन दिए, किसी ने पांच दिए, किसी ने दस दिए। बहुत सारे राजा इस देश में अंग्रेजों के साथ संधि करते ही चले गए, और धीरे धीरे उस मकड़ जाल में फंसते ही चले गए। अगर कुल मिलाकर आप मुझे पूछेंगे कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहली संधि तो जहांगीर से की थी, कुल मिलाकर कितनी संधियां की, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में 1615 से लेकर और 1857 के पहले स्वाधीनता संग्राम तक 565 संधियां की थी। और ये 565 संधियां भारत के अलग अलग राजाओं के साथ हुई थी। कुछ संधियां राजस्थान के राजाओं के साथ, कुछ संधियां गुजरात के राजाओं के साथ, कुछ संधियां मध्य भारत के राजाओं के साथ, मराठाओं के साथ, कुछ संधियां दक्षिण भारत के राजाओं के साथ, अलग अलग भारत में जो क्षेत्र होते थे वहां के राजाओं के साथ, ये कुल मिलाकर 565 संधियां अंग्रेजों ने की थी।
इन संधियों में क्या कहा जाता था, आप इन संधियों के दस्तावेजों को पढ़ेंगे तो सबसे ज्यादा आपको एक बात लगेगी जो मजाक है, सबसे क्रूर मजाक है, वो ये कि संधियों का जो शीर्षक होता था वो लिखा जाता था दोस्ती के लिए संधि, मित्रता के लिए संधि, अंग्रेजी में उसको कहा जाता था ट्रीटी फॉर फ्रेंडशिप, मित्रता की संधि, दोस्ती की संधि, ऐसे करके उसका शीर्षक होता था। और उसमें अंदर जो लिखा जाता था वो बिल्कुल शत्रुता की बातें होती थी। शीर्षक होता है मित्रता की संधि और अंदर क्या लिखा जाता है, एक उदाहरण से बताता हूं। अंग्रेजों ने भारत के एक राजा के साथ संधि की जिनका नाम था श्री गंगाधर राव। ये श्री गंगाधर राव झांसी के राजा हुआ करते थे। झांसी उस जमाने में एक राज्य हुआ करता था। इस समय झांसी भारत का एक जिला है लेकिन अंग्रेजों के समय में ये एक राज्य के बराबर का होता था। आप अगर ये कल्पना करना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं कि भारत में आज जितने भी जिला आप जानते समझते हैं ये लगभग सब राज्य के मुकाबले के हुआ करते थे अंग्रेजों के जमाने में। तो झांसी एक राज्य हुआ करता था जिसके राजा थे गंगाधर राव। उन्होंने अंग्रेजों से दोस्ती की एक संधि की, या अंग्रेजों ने उनसे दोस्ती की एक संधि की। उस संधि में कहा गया कि गंगाधर राव और अंग्रेज आपस में दोस्त रहेंगे, गंगाधर राव का राज्य और अंग्रेजों की आपस में मित्रता रहेगी और यह मित्रता जितने दिन चलेगी उतने दिन चलेगी। ऐसी अच्छी अच्छी बातें उसमें लिखी गई। अंत में लिखा गया कि अगर श्री गंगाधर राव की अपनी कोई संतान नहीं होगी तो उनका पूरा राज्य अंग्रेज द्वारा ले लिया जाएगा। एक वाक्य उसमें यह लिख दिया गया। अगर आप वो संधि पत्र पढ़ेंगे जो झांसी के महाराजा गंगाधर राव के साथ अंग्रेजों ने लिखा, तो संधि पत्र में 90 से 95% की जो भाषा है वो दोस्ती और मित्रता वाली है। अंग्रेजों के द्वारा गंगाधर राव का गुणगान किया जा रहा है और गंगाधर राव के द्वारा अंग्रेजों का गुणगान किया जा रहा है। अंत में एक छोटा सा वाक्य उस संधि पत्र में डाल दिया गया अंग्रेजी में कि श्री गंगाधर राव की अपनी कोई संतान अगर नहीं होगी तो उनका राज्य अंग्रेजी राज्य में मिला लिया जाएगा। और संयोग कुछ ऐसा ही हुआ कि गंगाधर राव की अपनी कोई संतान नहीं हुई। गंगाधर राव की धर्मपत्नी का नाम ही था झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, उनकी अपनी कोई संतान नहीं हुई। दोनों पति पत्नी ने मिलकर एक फैसला कर लिया कि हम किसी को दत्तक पुत्र ले लेंगे, और उन्होंने एक पुत्र को दत्तक ले लिया, गोद ले लिया। भारत में ऐसी परंपरा हजारों वर्ष से रही है, अगर किसी परिवार में पुत्र या पुत्री ना हो तो हम किसी को गोद ले लेते हैं। गोद ले लेने की परंपरा हमारे देश में हजारों साल पुरानी है। अंग्रेजों को यह परंपरा समझ में नहीं आती थी क्योंकि अंग्रेजों के देश में इस तरह से गोद लेने का कोई विधान नहीं था। तो अंग्रेजों ने इसको माना नहीं कि गंगाधर राव और उनकी धर्मपत्नी किसी को गोद ले रहे हैं और वो दत्तक पुत्र उनके राज्य का उत्तराधिकारी होगा। अंग्रेजों ने इसको माना नहीं। अंग्रेजों का कहना था कि उनके देश में ऐसा कुछ नहीं होता तो भारत में कैसे हो सकता है, और यहीं से झगड़ा शुरू हुआ और अंग्रेजों ने जबरदस्ती झांसी राज्य को अंग्रेजों के राज्य में मिला लेने की घोषणा की। तब झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने ऐलान किया, मेरी झांसी नहीं दूंगी, उनका यह ऐलान था। ये एक ऐसा वाक्य था जो उस जमाने में भारतवासियों के खून में गर्मी पैदा करता था, मेरी झांसी नहीं दूंगी। श्रीमती लक्ष्मीबाई को यह तब कहना पड़ा जब अंग्रेजों ने घोषणा कर दी कि झांसी का राज्य जबरदस्ती अंग्रेजों में मिला लिया जाएगा, क्योंकि संधि में ऐसा लिखा हुआ है। तो इसी संधि के आधार पर झांसी का राज्य अंग्रेजों के पास गया था। इसी तरह सतारा का राज्य अंग्रेजों ने छीना था, ऐसी ही एक संधि की थी उन्होंने सतारा के महाराजा के साथ। इसी तरह नागपुर का राज्य अंग्रेजों ने छीना था, इसी तरह पंजाब का राज्य अंग्रेजों ने छीना था, इसी तरह भारत के 565 राज्य अंग्रेजों ने छीने थे संधियां कर करके। संधियों में शुरू में अच्छी अच्छी बातें लिखी जाती थी और अंत में एक दो वाक्य ऐसा डाल दिया जाता था कि इस राजा की संतान ना होने पर यह राज्य अंग्रेजों का हो जाएगा, या इस राजा की मृत्यु होने के बाद यह पूरा राज्य अंग्रेजों का हो जाएगा। झांसी जैसे अंग्रेजों ने छीना,
वैसे ही पंजाब राज्य छीना था। पंजाब राज्य में महाराजा रणजीत सिंह के साथ अंग्रेजों की एक संधि हुई थी और उस संधि में यह लिखा गया था कि जब तक महाराजा रणजीत सिंह जीवित रहेंगे पंजाब राज्य का शासन उनके हाथ में रहेगा, लेकिन जिस दिन महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु होगी अंग्रेजों की उस पर व्यवस्था आ जाएगी। और महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु होते ही 1848 में अंग्रेजों ने पूरे पंजाब पर कब्जा कर लिया था। और इसी कब्जे को पूरा करने के लिए, पक्का करने के लिए डलहौजी नाम का अधिकारी लंदन से भारत आया था। तो अंग्रेजों के साथ हमने जो 565 संधियां की 1615 से लेकर 1857 के पहले तक, ये सारी संधियां भारत की गुलामी की संधियां साबित हुई। इन्हीं से भारत की आजादी गई और इन्हीं से भारत देश की परतंत्रता आई। अगर आपको एक वाक्य में मैं ये कहूं कि भारत देश को अंग्रेजों ने युद्ध में नहीं जीता, भारत की जनता को अंग्रेजों ने युद्ध में कभी पराजित नहीं कर पाया, भारत के लोगों पर कभी भी अंग्रेजों ने बाहुबल से शासन स्थापित नहीं कर पाया, भारत को वो जीत नहीं पाए युद्ध में, भारत की जनता को कभी पराजित नहीं कर पाए युद्ध में, भारत को अपने बाहुबल से अंग्रेजों ने कब्जे में नहीं लिया, भारत को तो अंग्रेजों ने चालाकी के साथ संधियां करके अपनी गुलामी में लिया था। हम पराजित नहीं हुए थे अंग्रेजों से। बार बार भारतवासी मुझे ये सवाल पूछते हैं कि राजीव भाई हम अंग्रेजों के गुलाम हुए कैसे, तो हम उनसे कोई युद्ध में कमजोर थे, हारे थे इसलिए गुलाम हुए, ये बात सच नहीं है। हमारे पास सैनिक कम थे, अंग्रेजों के पास सैनिक ज्यादा थे, ये बात भी सच नहीं है। कई बार हमको भूल से इतिहास में ये पढ़ाया जाता है कि अंग्रेजों के पास बंदूकें थी, भारतीयों के पास बंदूकें नहीं थी, अंग्रेजों के पास तोपें थी, भारतीयों के पास तोपें नहीं थी, अंग्रेजों के पास सेना बहुत अधिक थी, भारतीयों के पास सेना नहीं थी, अंग्रेज संगठित थे, भारतीय लोग असंगठित थे, इसलिए हम अंग्रेजों से हार गए और गुलाम हो गए। ये सब बातें झूठ हैं। हम अंग्रेजों से किसी भी युद्ध में पराजित नहीं हुए, किसी भी युद्ध में अंग्रेजों ने हमको नहीं हरा पाया। उल्टे जितने युद्ध अंग्रेजों ने भारत में आकर लड़े, अधिकांश युद्धों में अंग्रेजों की पराजय हुई, अंग्रेज हारे। पंजाब में महाराजा रणजीत सिंह के साथ अंग्रेजों ने जितने युद्ध किए थे संधि करने से पहले, सभी में अंग्रेजों की पराजय हुई थी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के साथ अंग्रेजों ने जितने भी युद्ध किए थे उन सब में अंग्रेजों की पराजय हुई थी। नागपुर सतारा में अंग्रेजों ने जितने युद्ध किए थे उनमें सब में अंग्रेज हारे थे। दक्षिण भारत में जब जब अंग्रेजों ने हैदर अली के राज्य पर हमला किया था, हैदर अली ने हर युद्ध में अंग्रेजों को हराया था। किसी भी युद्ध में अंग्रेज हैदर अली से जीत नहीं पाए थे। हैदर अली के बाद उनका बेटा टीपू सुल्तान जितने दिन राजा रहा उससे भी अंग्रेज कभी युद्ध में नहीं जीत पाए। माने भारत का अगर इतिहास आप उठाकर देखेंगे तो अंग्रेजों के समय में एक भी युद्ध अंग्रेज भारत में नहीं जीत पाए थे। तो फिर भारत पर कैसे राज्य किया उन्होंने, कैसे कब्जा किया, कैसे भारत को गुलाम बनाया? उसका उत्तर है उन्होंने चालाकी भरी संधियां की भारत के राजाओं के साथ और उसमें हम गुलाम होते चले गए। आपको हंसी आएगी, मैं एक उदाहरण दूंगा। कुछ राजाओं के साथ तो अंग्रेजों ने युद्ध की संधि की, कुछ राजाओं के साथ खेलकूद की संधियां की। हमारे भारत में कई राज्य ऐसे हैं जिनको अंग्रेजों ने खेल खेल में जीत लिया। एक राज्य था हमारे देश में सौराष्ट्र का छोटा सा, उस राज्य के राजा के साथ अंग्रेजों ने क्रिकेट का मैच रखा। इसको हंसिएगा मत, आप दस्तावेजी और प्रमाण की जानकारी दे रहा हूं। क्रिकेट का मैच रखा और शर्त यह थी कि जो मैच जीतेगा राज्य उसका रहेगा, और अंग्रेजों ने क्रिकेट का मैच जीत लिया बेईमानी से और वो राज्य अंग्रेजों ने पूरा छीन लिया। क्रिकेट के मैच में राज्य छीन गए हमारे। मैं कई बार इस बात को गंभीरता से लेकिन मजाक में कहता हूं, अंग्रेजों ने हमारे हाथ में क्रिकेट का बैट दे दिया कि खेलो, और तलवारें हमारे हाथों से छीन के अपने हाथ में ले ली कि राज्य की जिम्मेदारी हमें दे दो, तुम क्रिकेट खेलो। तो भारत के कई सारे ऐसे राजा हुए जो अंग्रेजों के साथ क्रिकेट के खेल में मैच हारकर राज्य हार बैठे और संधि में वो राज्य अंग्रेजों के पास चला गया।
तो अंग्रेजों ने भारत के जो 565 राज्यों को छीनकर अपना साम्राज्य स्थापित किया, उस सारे की एक वाक्य की अगर कहानी है तो वो यही है कि हमने भारत को युद्ध में नहीं हारा, हमने भारत को युद्ध में पराजित नहीं होने दिया, हमने तो पूरे भारत को संधि रूपी थाल में रखकर अंग्रेजों को पेश कर दिया। ये मैं उपमा में कह रहा हूं कि एक थाल हमने सजाया संधि के नाम का, उसमें संपूर्ण भारत के 565 राज्यों को रख के अंग्रेजों को बहुत सम्मान के साथ भेंट कर दिया कि ये लीजिए, ये सारा राज्य आपका है। तो अंग्रेजों ने पूरे भारत को अपने कब्जे में लिया, गुलाम बनाया, तो वो संधियों के आधार पर बनाया। वो सारी संधियों के दस्तावेज, सारी संधियों के प्रमाण भारत में मौजूद हैं, और इन प्रमाणों को कई बार मुझे लगता है कि भारत के विद्यार्थियों को दिखाने की जरूरत है, पढ़ाने की जरूरत है, समझाने की जरूरत है, ताकि हमारे दिमाग से एक गलत फहमी निकल जाए। हमारे भारतवासियों के विद्यार्थियों में तो खास रूप से ये भरा दिया गया है, दिमाग में बिठा दिया गया है कि हम अंग्रेजों से कमजोर थे इसलिए हार गए। और अक्सर हम कुतर्क देते रहते हैं, भारत में सेना की कमी थी, भारत में सैनिकों की कमी थी, बंदूकें नहीं थी, तोपें नहीं थी, आधुनिक हथियार नहीं थे, हम संगठित नहीं थे, आपस में लड़ते रहते थे, सब राजा एक दूसरे की खिंचाई करते रहते थे, सब राजा एक दूसरे का विरोध करते रहते थे, इस चक्कर में हम में आपस में बड़ी फूट पड़ी रहती थी, और अंग्रेजों को मौका मिल गया, हमारे पे आके कब्जा कर बैठे। और कई बार ये तर्क इतना आगे तक चला जाता है, वो जो है कोरी भावुकता में हम कहना शुरू कर देते हैं, जो वास्तविकता से कोसों दूर है, कि भारत जातियों में विभाजित था, उपजातियों में विभाजित था, और जातियां आपस में लड़ती रहती थी, इसलिए अंग्रेजों को मौका मिल गया भारत पर राज करने का। अंग्रेजों को मौका भारत पर राज करने का मिला नहीं, हमने भारत के राजाओं ने संधियां करके उनको